फ्रेंड्स, मैं हूँ नगमा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। आज मैं अंजीर का पौधे का वीडियो बना रही हूँ और आप लोग अच्छे से देखिए। ये देखिए मेरा अंजीर का पेड़ है। ये मैंने 6 महीना पहले इसकी कलम लगाया था किसी से लेके। बड़े पॉट में लगता है इसलिए कि मेरे पास ज़मीन नहीं है लगाने के लिए, तो मैंने बड़े पॉट में लगाया है। करीब 20-25 इंच का पॉट है ये, और रूटिंग पाउडर से लगा के रखा था। ये 6 महीने के अंदर ये इतना बड़ा ये पेड़ हुआ है। इसके अंदर देखिए, ये अंजीर का पौधा, ये फल है, ये बिल्कुल पका हुआ है। पकने के बाद यहाँ से फट जाता है, ये फट के लाल निकलता है। इसको आप निकाल के धो के खा सकती हैं। ये देखिए, यहाँ से एक मैंने निकाला है, ये यहाँ से निकाला है, ये एकदम पक के तैयार है। ये लाल दिख रहा है, एक ये है, ये है, उसके बाद ये देखिए, ये है, ये होता चला जा रहा है। इसको रूटिंग पाउडर से लगाया था और इसके अंदर नीम की खली। ये देखिए, इसकी जड़ है, ये अभी थोड़ी मोटी हो रही है, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। दूसरी वाली कलम ये निकल रही है यहाँ से। ये आज मैं अपने टेरिस पे आई हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तीसरी कलम यहाँ से निकल रही है और ये फल होता जाता है, ये बड़ा होता जाता है पौधा। देखिए, ये यहाँ से पक के निकल चुका है, एक ये पका हुआ है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जमा हुआ है। अंजीर का बहुत ही बेहतरीन पौधा होता है। इसकी कलम मार्च के महीने में लगती है और आप लोग भी लगाइए और देखिए, बहुत ही उम्दा होता है, अच्छा होता है। और खा पी अपने आराम से अपने हाथ से, ये देखिए पकी हुई है, ये तोड़िए और खाइए, बहुत उम्दा होता है ये। यहाँ से फट जाता है, ये फट जाएगा तो इसको हम तोड़ के निकाल लेंगे। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत अच्छी है और बहुत इसका अच्छा होता है। इसके अंदर चीटा बहुत लगता है, चीटा, इसलिए ये अंजीर का पौधा है। आप लोग भी बनाइए, इसको लगाइए और लगा के आप लोग भी देखिए कैसे होता है। अच्छे से बहुत बेहतरीन होता, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। मार्च के महीने में इसकी कटिंग लगती है, लेकिन जब आप जैसे डाल है ये यहाँ से कट करेंगे लगाने के लिए, जब नया बनाएंगे कलम तो उसके अंदर रूटिंग पाउडर लगाएंगे। रूटिंग पाउडर लगा के फिर मिट्टी में डालेंगे, तब ये एक आध महीने के अंदर फिर ये ग्रोथ करता है। इसलिए ये देखिए, मेरा अंजीर का इतना बहुत अच्छा पौधा है और सब लोग बहुत अच्छे से लगाते भी हैं, इसको देखते भी हैं। आप लोग भी लगाइए, अंजीर का मज़ा लीजिए, आप लोग भी खाइए। देखिए, ये एकदम पूरी पकी हुई है, ये एकदम, ये देखिए अब ये फटने वाली है, यहाँ से खुल रही है। अब ये जब फट जाएगी तो इसको मैं तोड़ लूँगी। इसी तरह से मैंने एक तोड़ रखा था, हम लोग खा लिया, और ये दूसरा वाला मैं तोड़ूंगी फिर जब से पकता जाएगा। और भी मेरे टेरिस पे देख लीजिए, ये सारे मेरे पौधे लगे हुए हैं। और भी मेरे टेरिस पे देखिए पौधे लगे हुए हैं, ये सब। इसका मैंने ये कैक्टस का पौधा, ये हम दिखा चुके हैं आपको। ये जो है ये है। फिर ये देखिए वाइट जो है ये वाला पौधा है। इसके बाद देखिए ये वाला, उधर हम हरा दिखाए थे, देखिए ये धूप लगी हुई है तो ये देखिए एकदम रेड पत्ती हो गई है। ये सारा हो गया है, ये मेरे टेरिस पे, ये इधर से लेकर वहाँ तक पूरा पौधा है। पूरा दिखा दो, पूरा पौधा है ये सब। ये देखिए कितना अच्छा वाला ये पौधा है, ये खूब बहुत बड़ा होता है। थोड़ी सी जगह की कमी है, ये और भी बड़ा होगा, ये घना होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ये सब मेरा क्राउटोन है, ये क्राउटोन है। ये तुलसी का पौधा है, ये बेहतरीन तुलसी का पौधा है। ये पाम है, और ये देखिए गुड़हल का फूल, ये गुड़हल का फूल है, ये अभी फूला नहीं है, फूल जाएगा। इसका भी देखिए पॉट कितना बेहतरीन है, ये रेड कलर का पॉट है, ये 12 इंच का पॉट है ये। फिर ये देखिए, हाँ ये देखिए मेरी मोर पंखी है। इसके अंदर पहले वाइट कलर का फूल हुआ है, फिर उसके बाद ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए बीज, इसके अंदर देखिए ये इस टाइप का बीज निकलता है, ये इस टाइप का, ये पूरा फुला हुआ है। ये देखिए, ये इसके अंदर सारे बीज हैं, ये सारे तमाम बीज हैं। ये मेरी मोर पंखी है जो मुझको पसंद नहीं थी, लेकिन नई लोगों ने हटाने दिया कि नहीं हटाइए मत, ये बहुत गज्जी नहीं है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर पहले व्हाइट रंग का फूल होता है, उसके बाद फिर ये देखिए इसका बिया है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया फ्रेंड्स, और आप लोगों को भी नहीं दिखाया। अब इसका बिया मैं डालूंगी तो इसके अंदर से जितना भी बिया रहेगा उतना पौधा निकलेगा।
ये सब मेरा है, ये सब देख लीजिए। मेन बात है हमको अंजीर का था, हमारा अंजीर का बनाना था, इसलिए मैं आज टेरिस पे आई हूँ। मैं बहुत कम आती हूँ टेरिस पे तो इसलिए मैंने इसको बनाया है। आप लोग भी लगाइएगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा मेरे पौधे को। और दूसरी बात कि अंजीर सबसे अच्छा होता है, बहुत अच्छा फल होता है, बेहतरीन होता है हर मानों में। इसके बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिएगा कि मेरा अंजीर, आप लोगों को अंजीर कैसा लगा। अब हम नेक्स्ट आप लोगों को रेसिपी में मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।